वहाज, आपको सैड सॉन्ग्स इतने क्यों पसंद है? सैड सॉन्ग्स इतने क्यों पसंद है? आई विश मैं सुना सकता, मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता। ये ख्वाहिश थी मेरी कि मुझे कभी गाना भी आ जाए, लेकिन आई डोंट नो, शायद कभी हो जाए पूरी मेरी ये ख्वाहिश। लेकिन सैड सॉन्ग्स नहीं पसंद मुझे, आई एम हैप्पी सोल, सो इट्स जस्ट दैट अक्सर मैं जब कभी नजर आया हूँ तो किसी सैड मूड में नजर आया हूँ। रोज भी तो ऐसे ही मिलते रहते हैं ना सैड। That's the answer to your question. So audience, aapki, some of the audience actually they came up to me to tell me they want to see your sketches, your painting, your picture with your parents. Unfortunately, मेरे वालिद के साथ तो कोई ऐसी पिक्चर नहीं है, मेरी वालिदा के साथ ही है। और एक हमारी पिक्चर है जो आई एम अ वेरी शाई पर्सन, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ को, प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल प्राइवेट ही रखना चाहता हूँ। सो मैंने कभी इंटरनेट पे लगाई नहीं है वो वाली तस्वीर, लेकिन जिनको चाहिए उनको मैं भेज दूंगा। वन लकी सोल हियर, शी वांट्स इट। यस मैम, प्लीज आप इधर आइए, इधर आइए। हाँ जी, आप ग्रीन सॉरी प्लीज, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। This question is specifically for you, Yona. The tree between Mehrab and Murtazam is palpable on screen. How did you both prepare for this complex role? मैं तो अच्छा खाना खाता था सिर्फ। Honestly, I just try to empathize with the characters and see the world through their perspective. And also I try to connect with them emotionally. जितना emotionally आप character को connect करते हैं वो उतना ही आपके अंदर feel होना शुरू हो जाता है। And you just have to be very honest. Whatever you are doing, you start to feel it. जो feeling है वो genuine होनी चाहिए। और वहाज बहुत honesty से काम करते हैं, तो इस chemistry का मैं 50% क्रेडिट वहाज को दूंगी, 50%। क्या बात। और जब हम सीन्स कर रहे होते थे तो ज़्यादातर हमारे पर्सनालिटी क्लैश बहुत है, वहाज से दोस्ती भी है लेकिन काम के टाइम पे बहुत पर्सनालिटी क्लैश रहता है। बिल्कुल, दो मुख्तलिफ इंसान, बहुत मुख्तलिफ हैं, तो बहुत इख्तलाफ अट्रैक्ट्स पीपल एक्चुअली। सो बहुत इख्तलाफ रहता था और मुझे ऐसा लगता था कि हर सीन बहुत बुरा हुआ है और हर सीन में और इसका अच्छा नहीं हो रहा। बट जब एडिट होके म्यूजिक लग के लोगों की आंखों तक पहुंचा तो उनके दिलों तक पहुंच गया और उनको पसंद आ गया। सो यार, व्हाट डू यू हैव एनी नेगेटिव कैरेक्टर्स इन वर्क्स और समथिंग नॉन रोमांटिक हीरो स्टाइल? Well, I think I am very lucky for that matter. मैं अगर negative character भी play करता हूँ तो लोगों को उससे भी प्यार हो जाता है। Self love है, माशाल्लाह। लेकिन नहीं, अभी नहीं है। But I would love to play. You are the best. You are the best. Yes, yes. You mean three words में वहाँ को describe करना हो तो क्या होगी वो तीन loves? ये तो हमारी फैन से पूछा जा रहा है। Honest and handsome. Beautiful inside and out. And very intelligent. Yeah. Very, very. So would you choose Vahaj or Murtaza? It's a very, very interesting question. Yes. Why? ये आपसे भी पूछना है यमुना, और मुझे इनके फैंस से भी पूछना है कि वहाज को पिक करेंगे कि मुर्तसिम? वहाज। I'll pick वहाज। वहाज। तो समझ में आता है she'll pick वहाज, वो तो उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती है। लेकिन लेडीज, आपको क्या वहाज में दिखता है? मतलब बिसाइड, आप तो उसको एज अ मुर्तसिम जानते हैं ना उसकी। आप ही को देखते रहते हैं, मिस करते हैं, देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। नहीं, आपने बोला आप शाय हो ना, तो शाय इंसान बहुत ही रोमांटिक होता है।
But the intensity of Murtasim is out of this world. Thank you. First, three words in three words, if you can describe Yumna. Well, she is. वो तो सबको पता ही है, लेकिन she's a very honest person, very honest and very hardworking as well and very confident. So दिन में कुछ ऐसे सीन्स थे जहाँ पे आपकी आर्गुमेंट हुई या डिसएग्रीमेंट हुई? इसका आपको सवाल ही करना चाहिए कौन से सीन्स ऐसे थे जो नहीं हुए, क्यों कौन से सीन्स नहीं थे जिसमें आर्गुमेंट? दोनों ने एक साथ बोला तो आप प्लीज आप कोई सीन बताइए, हम बताएंगे उसकी बैक स्टोरी। हाँ, कोई भी सीन चूज कीजिए आप लोग। हम बैक जशांदा सीन में शानदार सीन में उसपे भी एक्चुअली वी हैड अ लिटिल फाइट और पोजीशनिंग एंड प्लेसमेंट। पोजीशनिंग एंड प्लेसमेंट और लाइट और ये वहाज के बहुत नखरे भाई लेडीज हैं आपको बता रहे हैं। बहुत ज्यादा ना हम लोग आर्ग्यूमेंट्स हम लोग का होता था हर चीज में, ऐसे बोलना ऐसे नहीं बोलना कुछ जीरो कुछ कुछ लेकिन यमुना इज माशाल्लाह वेरी स्मार्ट है। तो बस नोकझोंक चलती रहती थी हर सीन में, किसी ना किसी बात पे किसी ना किसी चीज पे लड़ाई रहती थी। बात भी नहीं होती थी, बात सिर्फ डायलॉग्स पे होती थी। How about swimming pool scene? Yeah, swimming the pool scene. Yeah, my daughter wants to know. It was actually written differently, but we executed in a different way. जिसमें हम लोग कंफर्टेबल भी हों और जरा दिखने में भी सही लगे। So, yeah, thank you so much. Very graceful. Yeah, ऐसे भी कोई सीन थे जो लोगों को देखना ज्यादा पसंद आ गया था। प्रोड्यूसर ने जो रह भी गए थे वो भी सीन्स निकालने का एपिसोड्स बना के डाल दिए जस्ट टू एंटरटेन यू गाइस। सो या